वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को दोबारा देखूंगा और उसमें से कुछ नई डिटेल्स निकालूंगा, तो मैंने वैसा ही कुछ किया है। लेकिन हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, यानी कि इस वीडियो पे जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी के हिसाब से इस सीरीज़ को आगे चलाया जाएगा। तो अगर इस वीडियो पे 5K लाइक्स हो जाते हैं तो मैं सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा, और नहीं तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई भी नया फैक्ट पता चले तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स में जाके मुझे बताना कि मुझे अगली कौन सी मूवी देखनी चाहिए। तो चलो आपका टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं डिटेल्स की तरफ। एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि एक चीज़ है जिसने उसे महानता से दूर रखा है, और फिर बाद में वो उसे लेसन देती है कि इट्स नॉट अबाउट यू। एक्चुअली इस चीज़ का रेफरेंस हमें मूवी के स्टार्टिंग में भी देखने को मिलता है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से अपने साथ स्पीकिंग एंगेजमेंट में चलने के लिए पूछता है तो वो कहती है देवर नॉट अबाउट अस, देवर अबाउट यू। उसके बाद क्रिस्टीन कहती है एवरीथिंग इज अबाउट यू, और इसी चीज़ ने उसे महानता से दूर रखा, और यही एंशिएंट वन पे हमें आगे बताती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ड्रॉर में से वॉच चूज करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारी वॉचेस स्पिन कर रही होती हैं। इसका रीज़न ये है कि वो वॉचेस ऑटोमेटिक हैं, और अगर वो स्पिन नहीं करेंगी तो वो रुक जाएंगी। जब कोई उन्हें पहन लेता है तो हाथों में मोशन के कारण वो वॉचेस चलती रहती हैं, लेकिन अगर उन्हें कहीं रखना होता है तो उन्हें ऐसे मोशन में रखना पड़ता है। ये बहुत ही कमाल की डिटेल है, और कमाल की बात यह है मार्वल ने इसको एग्जैक्टली वैसे ही दिखाया है। इवन ये एक मेटाफर है, यहाँ पर जो वॉचेज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं टाइम को। तो जिस तरह से यहाँ पर वॉचेज आगे पीछे घूम रही हैं, ये एक रेफरेंस है कि कैसे मूवी के लास्ट तक स्टीफन स्ट्रेंज मास्टर ऑफ टाइम बन जाएंगे, और वो भी समय को ऐसे ही आगे और पीछे अपनी मर्जी से कर पाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उन वॉचेज में से जाइगर वॉच को चूज करते हैं, और जब मैंने सीन देखा मुझे लगा कि मैंने इस वॉच को कहीं और भी दिखा है। थोड़ा सा सर्च किया और पता चला कि आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क अपने बर्थडे में खुद ही तबाही मचाने से पहले इसी वॉच को पहनता है। अब तो लगता है कि वॉच ही पनौती है, मैं इसी वॉच से दूर ही रहना चाहूंगा, हालांकि इतने पैसे भी नहीं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है तो हमें वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की नंबर प्लेट दिखती है जिसपे लिखा होता है QSD4439। मार्वल की पुरानी आदत है नंबर प्लेट्स के पीछे कुछ ना कुछ रेफरेंस छुपाने का, इसलिए मैंने इसके बारे में सर्च किया। मुझे किसी भी कॉमिक का नाम तो नहीं मिला, बट हाँ मुझे पता चला कि एक बार एक कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज ने 4439 क्वेसेडिलास खाए थे एक कंपटीशन में। ये तो थोर के बराबरी कर सकते हैं लगता है। और हाँ, हो सकता है ये एक रेफरेंस हो मार्वल एंटरटेनमेंट के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर के लिए, जिनका नाम है जोए क्वेसाडा। तो क्वेसाडा यानी कि QSD। जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं स्काइप के ऊपर, तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक नोटपैड देख सकते हैं जिसके ऊपर DC लिखा है। और सिर्फ नॉर्मल DC नहीं, ये जो DC का लोगो है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है रियल DC से। DC एक कॉमिक बुक कंपनी है जिसके पास कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, और मैं तुम्हें क्या ही बता रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा DC के बारे में। जब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उसने कैसे लोगों को ठीक किया है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये एक ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है। मुझे काफ़ी अजीब लगा सुनने में, क्योंकि जो रियल फ्रेज होता है वो होता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और एक्चुअली यहाँ पर ब्लीडिंग एज का इस्तेमाल बहुत ही क्लेवर वे में किया गया है एक रेफरेंस दिखाने के लिए। ब्लीडिंग एज आयरन मैन के आर्मर का नाम है, और ये जो आर्मर है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है Mark 50 आर्मर से, जो कि उसका नैनो आर्मर है। तो ये उस वक्त एक रेफरेंस था इन्फिनिटी वॉर के लिए। जब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि ओपन योर आई, तब हम वहाँ पर एक बटरफ्लाई को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ, बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गुजरती है। इस प्रोसेस में होता ये है कि डिफरेंट स्टेजेस आते हैं उसकी लाइफ में, जैसे कैटरपिलर और भी बहुत सारे आते हैं मुझे याद नहीं, तो वैसे ही कुछ फेजेस में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज गुजरते हैं। वो पहले एक डॉक्टर होते हैं, उसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है, और उसके बाद अब ओपन योर आई वाले सेगमेंट में उनकी लाइफ एक नया फेज स्टार्ट होने वाला था। इवन ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चीज किसी बहुत बड़े इवेंट को अंजाम देती है। ओह, काफी भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने लग गया हूँ आजकल तो। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का उस पार्टी में जाने का फैसला आगे चल के अर्थ को उसका बेस्ट डिफेंडर देगा। अब देखो, ये वाली जो डिटेल है इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे इस मूवी को दोबारा देखने से, बट फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसे अभी रेडिट पे देखा है। तो ये जो VFX सीक्वेंस है ओपन योर आई वाला, ये बहुत हद तक सिमिलर है कॉन्टैक्ट मूवी के एक सीक्वेंस से जो कि 1997 में आई थी। आप खुद ही देख के जज कर सकते हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे होते हैं तो एंशिएंट वन पीछे से वॉइस ओवर दे रही होती है। वहां पर वो एक जगह कहती है थॉट्स शेप रियलिटी, और वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे डायमेंशन में होते हैं जहां हाथ ही हाथ होते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के थॉट्स उस वक्त उनके हाथों के बारे में थे, और इसी कारण उनके जो थॉट्स थे हाथ के बारे में वो उस डायमेंशन में आके रियलिटी बन गए। जब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज से पहली बार मिलती हैं तो वो उन्हें 7 चक्रास दिखाती हैं और कहती हैं ये उस आदमी ने बनाए हैं जिसको आधी नॉलेज है। आगे हम देखते हैं कि एंशिएंट वन उन्हीं 7 चक्राओं को अलाइन करती है, और उसके बाद जो उसका सेंटर होता है वो वाइब्रेट करने लगता है,
ये जो वाइब्रेशन थी ये मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगी इसकी वाइब्रेशन से, तो मैं स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो 7 चक्रास हैं इन्होंने इनेबल किया एंशिएंट वन को दूसरे डायमेंशन से पावर लेने के लिए। तो एंशिएंट वन सही कह रही थी, उस आदमी को नॉलेज तो थी बट पूरी नहीं। वॉन्ग कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के जोक्स के ऊपर नहीं हंसता, बट मैंने ध्यान दिया कि मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हंसता है और उन्हें वो फनी लगते हैं, बट जब मूवी खत्म हो जाती है तो हम वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक जोक मारते हैं उसके ऊपर वोंग तो फूट फूट के हंसता है बट मोर्डो को बिल्कुल हंसी नहीं आती। इससे हमें पता चलता है कैसे वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज अब आपस में क्लोज आ रहे हैं और ये इस बात का भी रेफरेंस है कि वो आगे चल के साथ में होने वाले हैं। बट क्योंकि मोर्डो यहाँ नहीं हंसता तो हमें उससे पता चलता है कैसे मोर्डो अब डॉक्टर स्ट्रेंज से दूर होते जा रहा है और ये भी पता चलता है कि वो आगे चल के एक विलन बनने वाला है और डॉक्टर स्ट्रेंज का दुश्मन। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से दूसरी बार मिलता है एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के ऊपर बुक्स मांगते हुए तो वो उसे बियॉन से बोलता है, बट वोंग ने उसके बारे में कभी नहीं सुना होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से हैरान हो जाता है कि उसने इतने फेमस सिंगर का गाना नहीं सुन रखा। उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज गेटवेज खोलता है और बुक्स चुरा रहा होता है तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वोंग के हेडफोन्स में बियॉन्से का ही गाना चल रहा होता है, सिंगल लेडीज। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लास्ट में डोरमामो को एक टाइम लूप में फंसा देता है, बट आपको पता है इसका आइडिया उसे कहाँ से मिलता है? तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिचुअल परफॉर्म करने जा रहा होता है तो वहाँ पर वोंग और मोर्डो आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। वहाँ पर मोर्डो एक लाइन कहता है, यू वाना गेट स्टक रीलिविंग द सेम मोमेंट ओवर एंड ओवर फॉर एवर, और ये जो लाइन थी इसने आइडिया दिया डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने का मूवी के लास्ट में। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज के जोक्स के ऊपर नहीं हंसता, तो स्ट्रेंज कहता है कि लोगों को ऐसा लगता था कि मैं फनी हूँ, तो वोंग कहता है डिड दे वर्क फॉर यू। तो यहाँ पर भले ही स्ट्रेंज की बेइज्जती हुई हो लेकिन वो इस इंसल्ट को दोबारा यूज करता है इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क के ऊपर और उससे कहता है अनलाइक एवरीवन एल्स इन योर लाइफ आई डोंट वर्क फॉर यू। हाँ, तो इससे हमें भी टिप मिलती है, कोई बेइज्जती करे अच्छी बेइज्जती करे तो उसे लिख लेना चाहिए, कभी काम आ सकता है। जब लंदन में काइसिलियस अटैक करता है तो वो रियल वर्ल्ड में भी मैटर मैन्युपुलेट कर सकता था। एंशिएंट वन आगे बताती है कि ऐसा डार्क डायमेंशन की पावर से हो रहा है, बट ये बात हम पहले भी देख सकते थे कि जब काइसिलियस लड़ रहा था तो वहां पर पर्पल लाइट थी जिससे हमें पता चलता है कि वो डार्क डायमेंशन से पावर ले रहा था और उन्हीं की मदद से लड़ रहा था। ये काफी कूल डिटेल है। मूवी देखने के बाद इतना तो पता चल गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है, बट वो उसे हमेशा शो ऑफ करते रहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों को उनका ये शो ऑफ उतना पसंद नहीं। हम देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग में जब सबको लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने गलत ईयर बता दिया है तो वहां पर उनके बगल में खड़ी कलीग इस तरह हैरान हो जाती है, आप उसका एक्सप्रेशन देख ही सकते हो। बट उसके बाद जब पता चलता है कि दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज सही थे तो वहां पर वो बोलती है कि तुम इतनी फालतू इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करते हो। इवन उसके बाद जब वो क्रिस्टीन को बताते हैं बॉब सेगर के सॉन्ग के बारे में तो तुम उसका भी रिएक्शन देख सकते हो, ये रिएक्शन फेडअप का है। डॉक्टर स्ट्रेंज को इस मूवी में कई बार मिस्टर बुलाया गया है और ये इतनी बार था कि मुझे इतना अजीब लगा कि मैंने गूगल पे सर्च किया इसके बारे में और मुझे पता चला दरअसल पहले स्टैनली और स्टीव डिटको ने डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम मिस्टर स्ट्रेंज ही रखा था, बट उन्हें लगा ये काफी हद तक सिमिलर हो जाएगा मिस्टर फैंटास्टिक से, इसीलिए उन्होंने इस नाम को बदल के डॉक्टर स्ट्रेंज रख दिया। और इसीलिए मूवी में हमें कई जगह कई कैरेक्टर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टर स्ट्रेंज बुलाते हुए दिखते हैं। मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि यू लैक अ स्पाइन, अब वहां पर भले ही ये उनके खिलाफ बोला गया था बट फिर भी अगर हम इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो ये एक मुहावरा है, स्पाइन हमें रिजिड बनाती है और खड़ा रखती है, अगर किसी के पास स्पाइन ना हो तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा। सेम चीज आगे एंशिएंट वन बताती है कि मोर्डो रिजिड है, उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी मोर्डो को जो डॉक्टर स्ट्रेंज की वीकनेस लगी वो एंशिएंट वन को उसकी स्ट्रेंथ लगी। ये बात एंशिएंट वन के एक और लेसन में भी थी कि अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ। इवन मोर्डो इतना रिजिड है कि वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं और अंत में वो एक विलन बन जाता है। अब ये बात कि मोर्डो एक विलन बन जाता है उसका हिंट हमें मूवी के स्टार्टिंग से ही मिल रखा था। मोर्डो मूवी के स्टार्टिंग से ही एक ग्रीन सूट पहनता है और एमसीयू के कुछ ट्रेडिशनल विलन्स जैसे कि लोकी, हेला, मिस्टीरियो, इन सब के भी सूट ग्रीन ही है। अब देखो ये डिटेल बहुत छोटी है, मुझे पहले लग रहा था आपको बताऊं या नहीं, बट मैंने सोचा कि मैंने नोटिस किया है और वीएफएक्स आर्टिस्ट वालों ने इतना अच्छा काम किया है तो बता ही देता हूं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन में जाते हैं तो वहां पर हम राइट साइड वाले रोड को देख सकते हैं कि वो अपसाइड डाउन है, बट ये डिटेल नहीं है। वहां पर एक ब्लू कार है जो कि रोड के एंड पे आके मुड़ जाती है और उसके नीचे की तरफ जाने लगती है, और ऐसे हमें बहुत सी कार्स दिखी जो कि रोड के एंड पे आके मुड़ जा रही थी। इसके पहले मैंने ये चीज कभी नोटिस नहीं करी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन है जो कि उनके उड़ने में मदद करता है, बट मोर्डो के पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जब भी मोर्डो नीचे गिर रहा होता है तो अपने लिए प्लेटफॉर्म बनाता है
हम ऐसा हर बार देख सकते हैं जितनी बार भी मोड और डॉपलर चेंज गिरते हैं। बट ये मेन डिटेल नहीं है, मेन डिटेल ये है कि जब एंशिएंट वन बिल्डिंग से गिर जाती है तो अगर आप पीछे ध्यान से देखोगे तो आपको मोडो साफ साफ दिखेगा प्लेटफॉर्म बनाकर नीचे उतरते हुए। लेकिन अगर आप सीन को थोड़ा पीछे करके स्लो मोशन में देखते हो तो आप वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देख सकते हो नीचे उतरते हुए। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन एस्ट्रल डायमेंशन में जाते हैं तो उनके जितने भी ब्लड और चोटें होती हैं वो हट जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी सारी इंजरी स्पिरिचुअल बॉडीज के ऊपर होती है और कोई भी डैमेज हमारी स्पिरिचुअल एम्बॉडीमेंट पे नहीं हो सकता, या कहूँ आत्मा पे नहीं हो सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट में जाने से पहले अपने क्लोक ऑफ लेविटेशन का कॉलर खड़ा कर देते हैं, और अगर आपने शेरलॉक होम्स देखी है 2010 की तो आपके लिए काफी आसान होगा इस रेफरेंस को पकड़ना, क्योंकि शेरलॉक होम्स भी हमेशा किसी फाइट में जाने से पहले अपना कॉलर खड़ा कर लेते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लास्ट में टाइम को रिवर्स कर देता है तो सभी चीजें रिवर्स जाने लग जाती हैं। वहां पर वो मोर्डो और वोंग को उस स्पेल से बाहर निकालता है, लेकिन हम देखते हैं काइसिलियस और उसके साथ ही अपने आप ही उस स्पेल से बाहर निकल आते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि वो लोग डार्क डायमेंशन से पावर ले रहे होते हैं और वहां पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि टाइम आगे जा रहा है या पीछे। वो बिना टाइम के बीइंग हैं, या कहूं डार्क डायमेंशन के बीइंग बन चुके हैं। इसलिए मूवी के लास्ट में वो डार्क डायमेंशन के नेटिव्स माइंडलेस वंस में बदल जाते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज दुर्मामू के पास आके लूप बनाता है तो हर बार उसे जितनी चोटें लगती हैं उतनी चोटें उसकी रिकवर हो जाती हैं, बट उसके जो चेहरे पे दो चोटें रहती हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। इसका रीजन ये था कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो लूप स्टार्ट करा था तब उनके मुंह पे वो दोनों चोटें थी, इसलिए वो चोटें हमेशा रहती हैं। अब वैसे तो ये बहुत छोटी डिटेल है, पर मैं इसे पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर ऐसे सीन्स में कंटिन्यूटी मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो चोटें वैसी नहीं रहती। तो बस दोस्तों, ये थी 25 डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस करी डॉक्टर स्ट्रेंज से। अगर आप चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू रहे और इन्फिनिटी सागा की और भी मूवीज में कवर करूँ तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको क्या करना है। और हाँ, अगर आपको एक भी नई डिटेल पता चली हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे पढ़ के खुशी होगी। सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अपने दोस्तों को बतानी है ये नई डिटेल्स तो उन्हें भी भेज देना। तो बस दोस्तों, आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक, और हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब।